लाहौर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के दफ्तर में आतिशजदगी का मामला, आग लगी नहीं लगाई गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। आग लगाने के लिए बिजली की तारों के साथ छेड़छाड़ की गई। रिपोर्ट में इंकशाफ, पुलिस ने सदर कोऑपरेटिव मोहम्मद अयूब को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अशिया खुरोनोश में इजाफे के बाद कागज भी महंगा। पेपर मिल मालिका ने 20 रुपए फी किलो कागज महंगा कर दिया। उर्दू बाजार के ताजरों का शदीद एहतजाज, पेपर माफिया की अजारादारी नामंजूर नामंजूर के नारे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत का मेट्रो बस का किराया स्टॉप टू स्टॉप मुकर्रर करने का फैसला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की किराया कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए करने की तजवीज। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने सब्सिडी रिव्यू पर ब्रीफिंग के लिए जीएम ऑपरेशंस को तलब कर लिया। सानहे मुरल टाउन इस्तेगासा केस, साबिक डीआईजी राणा अब्दुल जब्बार और कैप्टन रिटायर्ड उस्मान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। राणा अब्दुल जब्बार के वकील और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान खुद अदालत में पेश। ताखीर से आने पर अदालत से माफी मांग ली। आइंदा हर सूरत बर वक्त पेश हुआ करूंगा। डीजी फूड अथॉरिटी की यकीन दहानी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। छह मौतल अराकीन असेंबली के बाहर फुटपाथ पर बैठकर एहतजाज। बजट पर बहस शुरू न हो सकी। ऐवान के बाहर शदीद एहतजाज। शोर शराबा, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी के नारे। लीगी खवातीन भी हुकूमत पर बरहम। ये असेंबली का अहाता है, किसी का घर नहीं। लीगी खवातीन एहतजाज के दौरान लीगी खातून रुकन बेहोश। मौतल अराकीन की बहाली तक नून लीग का पंजाब असेंबली के बायकॉट का ऐलान। इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। स्पीकर ने पहले 12 वोट चोरी किए, अब हंगामा आराय की जाली तस्वीर जारी कर दी। थानेदारी कबूल नहीं। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के परवेज अलही पर वार, कहा हुकूमत में अलीम खान की सूरत में कब्जा ग्रुप के लोग हैं। एहतजाज करना कोई खाला जी का घर नहीं। 126 दिन का धरना दिया था मियां साहब, 126 घंटे ही एहतजाज कर लो। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का नून लीग पर तंज, कहा चोरों के साथ कोई रायत नहीं होगी। स्पीकर असेंबली हमारा वक़ार और हमारी शान है, तौहीन नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर इत्तलात का ऐवान के अंदर मुखालिफीन को जवाब। ख्वाजा इमरान नसीम ने असेंबली में हंगामा राई का जिम्मेदार स्पीकर को करार दे दिया। आवाम के दिए गए मैंडेट की लाज रखेंगे। मुखालफीन अपने सियासी मुस्तकबिल तारीख देख कर खौफजदा हो चुके हैं। अपोजिशन हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल से हटाना चाहती है। वजीर आला पंजाब उस्मान बजदार से वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला से मुख्तलिफ वफूद की भी मुलाकातें, मसाइल भी सुने। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी साकिब जफर की हेल्थ कार्ड स्कीम पर ब्रीफिंग। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत कोई मुस्तहक खानदान महरूम नहीं रहना चाहिए। शहबाज शरीफ के वकला आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज के नैब ऑफिस आमद। मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर और शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ मुतमिन है, बेगुनाही का केस मजबूत है। दोनों वकला की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। शहबाज शरीफ ने चौधरी लतीफ कंपनी का ठेका मंसूख किया, कौमी खजाने को 66 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। शेख अलाउद्दीन ने कामरान कयानी की कंपनी को ठेका देने के लिए रिश्वत का इंकशाफ किया।
जाति उम्रा में महफिल मेलाद, नवाज शरीफ ने कारकुनों के हमरा नमाज जुमा अदा की, बेगम कुलसुम नवाज और मियां शरीफ की खबरों पर हाजिरी, इस साल सवाब के लिए खुसूसी दुआ। शहबाज दौर में सस्ती रोटी पर तनकीद, अब तकलीफ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सस्ती रोटी के लिए पहले से ज्यादा फंड्स मुख्तस कर डाले, सस्ती रोटी अथॉरिटी के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस, रकम 6.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ 87 लाख की सिफारिश। हमजा शहबाज शरीफ की सर्विसेज हॉस्पिटल आमद, खुश अख्तर सुभानी की इयादत की, रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक PIC में जेर इलाज, ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज समेत लीगी रहनुमाओं ने इयादत की। और लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में लड़कियों का फुटबॉल मेला, रॉयल ईगल्स ने इस्लामाबाद को 4 गोल से शिकस्त दी, गर्ल्स एथलेट्स का टूर्नामेंट में नाकस इंतजाम का शिकवा।